दोस्तों भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले में करारी हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने पारी और 76 रन से तीसरा टेस्ट जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल की। मैच के चौथे दिन भारत की दूसरी पारी 278 रन पर ही सिमट गई, जबकि पहली पारी में भारत ने महज 78 रन ही बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड ने पहली पारी में 432 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर 354 रन की बड़ी बढ़त हासिल की थी। लेकिन दोस्तों तीसरे मैच में निराशाजनक प्रदर्शन करने की वजह से शर्मनाक हार झेलने के बाद टीम इंडिया को एक और चिंताजनक खबर मिली है। दरअसल टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को मैच खत्म होने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका स्कैन कराया गया। जानकारी के मुताबिक उनको घुटने में चोट लगी थी, जिसका स्कैन कराया गया है। हालांकि उनकी चोट को लेकर अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। बता दें जडेजा ने अपने चोटिल होने की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए तमाम फैन से साझा की है। उन्होंने अस्पताल में जाने के बाद वहां के कपड़े पहनकर एक तस्वीर खिंचवाई। इस तस्वीर में वह थम्स अप करते नजर आ रहे हैं। जडेजा ने इस तस्वीर को इंस्टाग्राम के स्टेटस में लगाया और सबके साथ साझा किया। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, आने के लिए बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है ये। बहरहाल आगे देखना होगा कि जडेजा की चोट कितनी गंभीर है। अगर जडेजा की चोट गंभीर होगी तो अगले मैच में रविचंद्रन अश्विन की जगह पक्की है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई भारतीय बल्लेबाजी ठीक है जो सूर्य कुमार जैसे धाकड़ बल्लेबाज को मौका नहीं दिया जा रहा है? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इसी तरह की और क्रिकेट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल में ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें।